हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। पहला है प्रॉमिसरी नोट्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स आर क्या होता है? निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स आर निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इट कैन बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन। प्रॉमिसरी नोट जो होता है उसमें दो पार्टीज होता है, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स जो होता है उसमें थ्री पार्टीज होता है, ठीक है। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच ड्रॉवी इज ऑलवेज अ बैंकर। चेक एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें कि ड्रॉवी जो है वो हमेशा बैंकर रहता है। The person who has to receive money from any other person draws the bill. He is known as drawer. मतलब ऐसा person जिसको किसी से पैसे को receive करना है वो मतलब bill को draw करता है और उसको हम लोग drawer बोलते हैं, ठीक है। The person who has to pay money to other person एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है, इज नोन एज ड्रॉवी और उसको हम लोग ड्रॉवी बोलते हैं। द पर्सन हु रिसीव्स पेमेंट ऑन ड्यू डेट इज नोन एज पे। और ऐसा पर्सन जो कि ड्यू डेट पे पेमेंट को रिसीव करता है उसको हम लोग पे बोलते हैं। बिल मे बी डिस्काउंटेड बाय द ड्रॉवर। डिस्काउंट चार्जेज आर कैलकुलेटेड फॉर ऑन अनएक्सपायर्ड पीरियड। ऑन डिसऑनर ऑफ बिल नथिंग चार्जेज आर पेड बाय द होल्डर ऑफ बिल। ईच पार्टी रिकवर्स द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेज फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग पार्टी। नोटिंग चार्जेज आर पेड टू हैव एविडेंस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल एंड नॉन पेमेंट। अल्टीमेट बर्डन ऑफ नथिंग चार्जेस फॉल ऑन द ड्रॉवी। मतलब सारा जो बर्डन है वो ड्रॉवी के पास चला जाता है। नथिंग चार्जेस आर रिकॉर्डेड एज एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल रिन्यूएबल का केस में ओल्ड बिल इज कैंसल्ड ट्रीटेड एज डिसऑनर्ड। इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल of the bill is paid for the tenure of the new bill. If bill is paid before due date, rebate is allowed to drawee. Such rebate is calculated for the unexpired period. Rebate is income for drawee and expense for payee. मतलब जो rebate है वो income है drawee के लिए और पे के लिए वो एक्सपेंस है, रिबेट। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी बिल इज ट्रीटेड एज डिसऑनर्ड। इन केस ऑफ अकोमोडेशन बिल देर इज नो अमाउंट ड्यू बिटवीन पार्टीज बिफोर ड्रॉविंग द बिल। सच बिल मे बी ड्रॉन फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ड्रॉवर ओनली or of drawee or both. When proceeds are shared after discounting the bill, discounts should be shared in the same proportion. अब देखिए, there are of two bills are of two types. इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला bills after date and bills after sight, ठीक है। बिल्स आफ्टर डेट और बिल्स आफ्टर साइट। बिल्स आफ्टर डेट क्या होता है? डज नॉट एक्वायर एक्सेप्टेंस। मैच्योरिटी डेट सेल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल। मतलब मैच्योरिटी डेट से कैलकुलेट किया जाएगा डेट ऑफ द बिल। रिक्वायर और बिल्स ऑफ साइट जो होता है उसमें बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस का जो होता है, मैच्योरिटी डेट सेल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस दिन मतलब कि उसको एक्सेप्ट किया उस दिन से ही इसमें हो जाता है मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट।
इफ नथिंग इज प्रोवाइडेड, मतलब कि अगर कुछ नहीं दिया है तो बिल इज कंसिडर्ड एज बिल आफ्टर डेट, और अगर कुछ नहीं दिया है तो उसको हम लोग मान लेंगे बिल आफ्टर डेट। इफ एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड देन इट मस्ट बी स्पेशली प्रोवाइडेड। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी डेट, जब मैच्योरिटी डेट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग को देखना पड़ेगा। केस और ड्यू डेट, व्हेन द बिल इज मेड पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट तो दैट स्पेसिफिक डेट विल बी ड्यू डेट, एंड व्हेन द बिल इज मेड पेबल एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर डेट। और अब देखिए दैट डेट ऑन विच द टर्म बिल सेल एक्सपायर विल बी ऑन द ड्यू डेट नोट, यहाँ पर एक नोट करना होगा कि द टर्म सेल एक्सपायर ऑन दैट डे ऑफ द मंथ विच करस्पॉन्ड्स विद द डे ऑन विच बिल इज डेटेड। इफ द मंथ इन विच द पीरियड टर्मिनेट्स हैज नो करस्पॉन्डिंग डे द पीरियड सेल बी डीम्ड टू एक्सपायर ऑन द लास्ट डे ऑफ अ मंथ, पीरियड एक्सपायर हो जाएगा लास्ट डे ऑफ द मंथ में। अब देखिए व्हेन द बिल इज मेड पेबल एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ डेज आफ्टर डेट दैट डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग स्टेटेड नंबर ऑफ डेज टू द डेट ऑफ बिल नोट, यहाँ पर एक नोट करना है कि द डेट ऑफ बिल इज एक्सक्लूडेड। व्हेन द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे The preceding business day will be the due date. अगर कोई holiday है तो जो holiday के बाद का जो दिन है वही आपका business day होगा, ठीक है, वही आपका due date होगा। When the date is on emergency unforeseen holiday, the succeeding business day will be the due date. द टर्म ऑफ अ बिल आफ्टर साइट कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल वेयर इज द टर्म ऑफ अ बिल आफ्टर डेट कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग अ बिल इन केस ऑफ टाइम और टेनर बिल्स थ्री डेज कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस। यहाँ पर डेज ऑफ ग्रेस थ्री डेज का होता है आर एडेड टू द ड्यू डेट टू अरिव एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है।